वीडियो में हमने बात की थी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की कैटेगरीज के बारे में, जो कि उनके स्टेटस के ऊपर, लॉजिकल डिडक्शन के स्टेटस के ऊपर डिपेंडेंट थी। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि कंजक्चर जो स्टेटमेंट है, ये कैसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ना तो वो प्रूव हो सका है और ना अभी तक डिसप्रूव हो चुका है। थ्योरम वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि प्रूव हो चुके हैं। थ्योरम, लेमा, कोरोलरी, ये तीनों ही स्टेटमेंट प्रूव टू बी ट्रू होते हैं। प्रूफ होने का मतलब क्या है कि हमने किसी तरीके से उसे लॉजिकली डिड्यूस कर लिया है और हमने कह दिया है कि हाँ वो सच हैं। लीमा वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के काम आते हैं, और कोरोलरी वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि थ्योरम की सहायता से किसी और रिजल्ट को प्रूव करते हैं और एक छोटा सा प्रूफ लेते हैं। तो इस तरीके से हमने तीन डिफरेंट कैटेगरीज देखी थी और अब हम देखने जा रहे हैं थ्योरम्स और प्रूफ्स के कुछ तरीके, जिसमें से पहला तरीका है डायरेक्ट प्रूफ या प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन। इसके उदाहरण के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट ले लेते हैं और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, नंबर्स इज ऑड। तो जब हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर की डेफिनेशन क्या है और ऑड की डेफिनेशन क्या है। तो हम कंसेक्यूटिव नंबर्स की डेफिनेशन होती है कि इफ ए इज अ नंबर देन ए प्लस वन इज कंसेक्यूटिव नंबर और ए एंड ए प्लस वन, सो ए कॉमा बी आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स If b is equals to a plus 1, यानी कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर से जस्ट एक बड़ा होना चाहिए, उस केस में कंसेक्यूटिव नंबर्स a और b कंसेक्यूटिव नंबर कहलाएंगे। ये डेफिनेशन है, सो दिस इज डेफिनेशन, सो लेट अस जस्ट टू डिनोट दैट दिस इज अ डेफिनेशन वी राइट इट इन green, सो दैट इज अ डेफिनेशन। एक और दूसरी चीज जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो है ऑड। ऑड क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि अ नंबर इज सेट टू बी ऑड, अ नंबर के इज ऑड if there is a number a, if there is a number j such that k is equals to twice of j plus one, right? यदि k एक नंबर है और उसको हम ऑड कह रहे हैं, ये हम सिर्फ तब कह सकते हैं जब a j जो है कुछ कोई नंबर ऐसा j होना चाहिए ताकि k को इस फॉर्म में लिखा जा सके। कैसे लिखा जा सके कि k बराबर होगा ट्वाइस ऑफ j प्लस वन के, तो उस केस में हम k को ऑड कहेंगे। तो इन दो डेफिनेशंस के सहारे हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसको प्रूव करें हम इसको इफ देन कंडीशन में लिखने की कोशिश करते हैं। और इसको इफ देन कंडीशन में लिखने का मतलब क्या होगा? इफ ए कॉमा बी आर कंसेक्यूटिव नंबर्स देन ए प्लस बी इज ऑड। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें यही चीज साबित करनी है। ये हमें स्टेटमेंट दिया गया था, इस स्टेटमेंट को हमने इफ देन कंडीशन में कन्वर्ट कर लिया है, जहां पर हमारा क्या आया, यदि ए और बी दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो ए प्लस बी ऑड होगा। तो ये चीज हमें साबित करनी है। हम इसे साबित कैसे करते हैं? हमें ये पता है कि
ए और बी के कॉन्जिक्यूटिव होने का मतलब क्या है कि बी जो है वो ए प्लस वन के बराबर होगा बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। तो अब हम बात कर रहे हैं कि यदि b बराबर a प्लस वन है तब a प्लस b क्या होगा। नाउ कंसीडर, क्योंकि अब हम पता करना चाहते हैं a प्लस b क्या है। तो a प्लस b हमने लिया और b की जगह हमने b का मान रख दिया a के उसमें फॉर्म में, तो हमारे को क्या मिल गया b, यानी यूं कहें कि a ए प्लस वन, क्योंकि ए एसोसिएटिव होता है तो हम इसको ए प्लस जो है एसोसिएटिव होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इस कारण से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। अब दूसरी डेफिनेशन जो ऑड नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो ए प्लस बी में हमें एक ऐसा नंबर मिल गया है जिसकी सहायता से हम ए प्लस बी को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये ऑड नंबर्स की डेफिनेशन को शो कर रहा है। तो वी कैन से देयरफॉर ए प्लस बी इज ऑड, क्यों, बिकॉज 2a+1, a प्लस बी जो है 2a+1 के तौर पे लिखा जा सकते हैं और 2a+1 एक ऐसा फॉर्म है जो कि डेफिनेशन में, ऑड की डेफिनेशन में इसको जस्टिफाई करता है, राइट, इसको जस्टिफाई करता है। नाउ k क्या है, k हमारा a प्लस बी है, j क्या है, j यहाँ पर a है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो टेम्पलेट की तरह के, यदि हम देखें तो डेफिनेशन में यदि हम k की वैल्यू मान लेते हैं a प्लस बी तो हमें j की वैल्यू मिल जाती है तरीके से, एक अच्छे तरीके से, दैट इज a, a के तौर पे a हमें मिल जाता है। तो अब क्योंकि हमने इस हिसाब से जान लिया है कि 2a+1 ऑड है, तो हम कह सकते हैं a प्लस बी ऑड है, a प्लस बी ऑड है। और चूंकि हमने a b जो है वो a प्लस वन लिया था बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, सो वी कैन से यस इफ ए प्लस ए कॉमा बी इज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देन ए प्लस बी इज ऑड। तो ये एक तरीके से डायरेक्ट मेथड है प्रूफ का, जिसमें हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने अपने बिल्कुल उसी फ्लो में चलते गए। सबसे पहले हमने माना ए और बी कंजिक्यूटिव नंबर है, फिर हमने डेफिनेशंस का यूज किया, कंसेक्यूटिव नंबर के डेफिनेशन का यूज किया, कंसेक्यूटिव नंबर के डेफिनेशन का यूज करके हम एक जगह पर पहुंचे, वहां पर हमने ऑड नंबर के डेफिनेशन का यूज किया और हमें मालूम पड़ा कि हम एक्चुअली ऑड नंबर पे पहुंच गए और ये बात ट्रू साबित हो गई। सो ये डायरेक्ट मेथड है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, वो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हम पहले अपनी सेंटेंस को या स्टेटमेंट को इफ ए देन बी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बजाय इफ ए देन बी को डायरेक्टली प्रूव करने के हम उसको कन्वर्ट करते हैं। हमने पहले ले लिया इफ ए देन बी, फिर हमने उसे कन्वर्ट किया, कन्वर्ट कर लिया इफ नॉट बी देन नॉट ए। आप पाएंगे कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं इफ ए देन बी इक्विवेलेंट होता है नॉट ए और बी में। आप यदि इसी चीज को यहां पर भी लगाएंगे, यानी कि यहां पर नॉट बी जो ए के बराबर है, इस ए के बराबर है, तो जहां पर ए है उसकी जगह हम नॉट बी लिख देते हैं,
और बी के बराबर नॉट ए है तो बी की जगह नॉट ए लिख देते हैं। तो यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, नॉट और नॉट जो है दोनों मिला करके कैंसिल हो जाते हैं, तो बी और नॉट ए, और जो है डिसजंक्शन ऑपरेटर जो है वो कम्यूटेटिव होता है, इसलिए आप इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, नॉट ए और बी। और इसको देख सकते हैं कि हम ये भी, ये और ये दोनों स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में आ गए, और चूंकि ये सेम सिचुएशन में, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। इसलिए यदि हम इफ ए देन बी प्रूव करना चाहते हैं, और यदि हम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो हमें एक बार इसे भी ट्राई करके देखना चाहिए, इफ नॉट बी देन नॉट ए। तो हम इसी चीज को कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहते हैं। तो हम एक बार देखने जाते हैं कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड जो है कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पर हम प्रूव करेंगे स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, इफ एक्स स्क्वायर इज इवन, इफ एक्स स्क्वायर इज इवन, देन एक्स इज इवन, राइट। हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। इसको प्रूव करने के लिए इंस्टीड हम इसको प्रूव करें, हमने कहा कि हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव प्रूव करते हैं, तो हमने इसका नेगेशन लेंगे। सो इफ एक्स इज नॉट इवन तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ऊपर वाले स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव करने पे हमें क्या मिलेगा, इफ एक्स इज नॉट इवन देन एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन। हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। इफ वी वांट टू प्रूव, हम इसको प्रूव नहीं कर पा रहे तो हम इसको प्रूव कर देते हैं तो भी चलेगा। अब यहाँ पर हमें एक दो चीजें देखनी पड़ेंगी, जैसे इवन और ऑड, ये दोनों कुल मिलाकर के सारे इंटीजर्स को कवर कर लेते हैं। तो ऑड जो है वो इवन का, यदि हम कोई इवन नहीं है तो जो नंबर है वो ऑड होगा, तो इसको इक्विवेलेंटली हम लिख सकते हैं, दिस इक्विवेलेंटली बिकम्स क्या, इफ एक्स इज ऑड देन एक्स स्क्वायर इज ऑड। सो बेसिकली हम ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अब तक दो चीजें यूज की हैं, ये चीज ध्यान देने वाली है। पहली चीज हमने यूज की है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, हमें ये प्रूव करना था, ये स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट हमें प्रूव करना था। पर अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव ना करके हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट। पर हमने देखा कि इंस्टीड ऑफ, अब सबसे पहली बात ये है कि एक्स यदि इवन नहीं है तो एक्स क्या है। तो यदि हम रियल नंबर्स ले लेते हैं तो कुछ और बात हो जाएगी, लेकिन रियल नंबर्स लेने पर इवन का कोई सेंस नहीं होता। 2.52 ना तो आप इवन बोल सकते हो ना आप ऑड बोल सकते हो। सो जब हम इवन और ऑड की बात कर रहे हैं तो आमतौर पर हम इंटीजर्स की बात कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर इंटीजर्स का सेट ले सकते हैं। तो एक्स जो है वो इंटीजर्स में होगा, तो यदि इंटीजर्स में हम देखें तो या तो नंबर इवन होता है या तो ऑड होता है। तो हमने, यदि वो इवन नहीं है तो वो ऑड होगा, तो ऐसा देख करके हम ये कह सकते हैं कि एक्स इज ऑड, राइट, क्योंकि एक्स इज नॉट इवन देन एक्स हैज टू बी ऑड, एक्स स्क्वायर इज नॉट इवन देन एक्स स्क्वायर हैज टू बी ऑड। सो अब हमको यह स्टेटमेंट साबित करना, अब इस स्टेटमेंट को हम डायरेक्ट प्रूफ के तौर पे साबित कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्स इज ऑड, ऑड की डेफिनेशन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका मतलब एक्स यदि ऑड है तो कोई एक ऐसा नंबर के एग्जिस्ट करेगा जिससे हम एक्स को इस तरीके से लिख सकेंगे, टू एक्स इज इक्वल टू 2k+1, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि एक्स ऑड है, या ऑड की डेफिनेशन लिखते हुए। अब हम यदि इसको स्क्वायर कर देते हैं, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स,
स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने यहां पर भी स्क्वायर कर दिया और इस साइड में भी स्क्वायर कर दिया, 2k plus 1 उसको भी स्क्वायर कर दिया। दोनों को स्क्वायर करने से क्या मिलेगा हमें? x स्क्वायर पे x स्क्वायर रहेगा, लेकिन 2k plus 1 का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। जो कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब k चूंकि एक नंबर है तो k स्क्वायर भी नंबर होगा, और k स्क्वायर नंबर है तो 2k स्क्वायर भी नंबर होगा। इसी तरीके से k एक नंबर है तो 2k भी एक नंबर होगा, और एक नंबर प्लस नंबर भी एक नंबर होगा। सो अगेन ये हमें ऑड की फॉर्म में एक वो मिल गया है, यानी कि 2 इनटू सम नंबर प्लस 1 की फॉर्म में। सो इसका मतलब x स्क्वायर भी ऑड होगा, राइट? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि x ऑड है तो x स्क्वायर भी ऑड होगा, राइट? तो इसको, इस मेथड को हम कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड। अब हम एक और मेथड की तरफ जाते हैं जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का जो तरीका होता है वो ये इस प्रकार से होता है कि हम कहते हैं कि जो हमें कहा गया है, जो चीज हमें सच साबित करनी होती है, हम उसका उसको झूठ मान लेते हैं। हम उसको झूठ मान के हुए चलते हैं, और उसके बाद हम कोई भी चीज, बाकी कोई भी चीज हम मानते नहीं है, मतलब अज्यूम कुछ भी नहीं करते सिवाय पहली अजम्पशन के, कोई भी और अजम्पशन नहीं लेते। और हम एक ऐसे लॉजिकल पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पर हमको झूठ ही मिलता है, मतलब वो स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ स्थिति आ जाती है। तो ऐसे केस में इसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमेशा फॉल्स होता है उसको कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम यदि कोई चीज अज्यूम कर रहे हैं और हम अल्टीमेटली एक कॉन्ट्राडिक्शन में पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब हमारी अजम्पशन फॉल्स है, क्योंकि अजम्पशन सिर्फ एक ही ली गई है, तो वही एक अजम्पशन फॉल्स होने के फॉल्स होना बनता है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एक इसका एक क्वेश्चन है, रूट टू इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ये भी देख लें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्यू का जो सेट होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पी बाय क्यू, वेयर पी कॉमा क्यू आर नंबर्स, सो दे आर नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स, सो बेसिकली दे आर इंटीजर्स, राइट? सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? सो पी क्यू कुछ नंबर्स हैं, उनको यदि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं, डिनोमिनेटर में क्यू होता है, न्यूमरेटर में पी होता है, और यदि क्यू जीरो नहीं है तो उन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, और जो रैशनल नंबर्स नहीं होंगे बट रियल होंगे उन्हें इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं, प्रूफ की जो स्ट्रेटजी है वो कुछ इस तरीके से है, लेट अस अज्यूम, और इनफैक्ट हम इसको इस तरीके से कहते हैं, मान लीजिए कि यदि ये सही नहीं है, इफ इट इज नॉट ट्रू, हम कहते हैं कि यदि ये सही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ इट इज नॉट ट्रू देन रूट टू इज रैशनल। ठीक है, यदि रैशनल है, इफ रूट टू इज रैशनल, तब रूट टू को भी हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके, रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट यू विल गेट, टू इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। It implies that p square
is equals to 2 square, right? अब इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर इवन है, पी स्क्वायर इवन है, ओके, पी स्क्वायर इज इवन, बट अभी अभी हमने एक रिजल्ट देखा था जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम जब साबित कर रहे थे, तो हमने देखा था कि एक एक स्टेटमेंट देखा था पी स्क्वायर इज इवन देन पी इज इवन, इफ एक्स स्क्वायर इज इवन देन एक्स इज इवन, इट इंप्लाइज कि यदि हमने उस थ्योरम का रिजल्ट यहाँ पर यूज किया और हमने कहा कि यदि पी स्क्वायर इवन है इसका मतलब पी इज इवन, राइट। अब यदि पी भी इवन है तो इवन की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। इवन की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ इवन, सो अगेन वी आर राइटिंग डेफिनेशन, सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर डेफ, बट डेफिनेशन है क्या? डेफिनेशन है इफ पी इज इवन देन देयर इज अ नंबर लेट्स से एल सच दैट पी कैन बी रिटन इन द फॉर्म of L like 2 into L, right? So P चूंकि even है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? P can be written as 2L. Now putting this value, अब इस value को इस formula में हम रख देते हैं तो इससे क्या मतलब निकलेगा? 4L square is equals to 2Q square, right? यही निकलेगा, जिसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम इसको सॉल्व करें तो कुछ इस तरीके से आएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2L स्क्वायर। इसका मतलब क्यू भी इवन है और एल भी इवन है, क्यू भी इवन है, इट मींस, इट मींस क्यू स्क्वायर इज इवन, it implies that q square is even, right? So इस एक बार हम proof by contradiction को एक बार दोबारा से लेते हैं और यहाँ पर हम एक simplification कर लेंगे so that numbers को ना different different तरीके से ना लिखा जाए। हम proof by contradiction को लेके चल रहे हैं, हमने कहा कि root 2 rational है, हमने इस चीज को साबित करना है। इस चीज को साबित करने के लिए हमने पहले तो बोला कि इफ इट इज नॉट ट्रू देन रूट टू इज रैशनल, तब रूट टू रैशनल ही होना चाहिए। हमने उसके बाद रैशनल को डिफाइन करने की कोशिश की और हमने कहा कि रैशनल वो सभी नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर्स में। हालांकि यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि 2/4 भी हाफ है, 1/2 भी हाफ है, 6/12 भी हाफ ही होता है, 3/6 भी हाफ ही होता है। तो हम इसमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगा देते हैं और वो लगा देते हैं कि P और Q जो है वो को प्राइम है, वो आपस में उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि उनमें जो भी कॉमन था वो हमने पहले कैंसिल कर दिया, उसे कट कर दिया और उसके बाद जो सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन है बस वही रखा है। यानी कि यदि आप 3/6 कह रहे हैं तो इसमें चूंकि 3 कॉमन है तो आप उसको हटा करके आप इसको 1/2 की फॉर्म में ही लिखोगे, ठीक है? अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है? आपको जितना मैक्सिमम जो भी कॉमन था वो पार्ट इसका हटा दीजिए दोनों तरफ से। तो यदि आप 2/4 ले रहे हैं तो उसका भी आप हाफ ही लिखिए, क्योंकि इसमें 2 दोनों जगह कॉमन है, ऊपर में भी 2 एक फैक्टर है और 4 में भी एक 2 फैक्टर है, सो वी कैंसिल आउट दैट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब अब P और Q में कोई भी चीज कॉमन भी नहीं बची। सो यहाँ पर एक कंडीशन और लगा देते हैं, Q is not equal to 0 and P, Q are co-prime, are co-prime। ये चीज आप थोड़ा देख लीजिएगा, P and Q are co-prime। पर यहां पर यदि आप देखेंगे इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये लिखा कि यदि ये रैशनल रैशनल है
तो रूट टू को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते, दोनों को हमने स्क्वायर किया तो हमें मिला टू इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू स्क्वायर। टू क्यू स्क्वायर लिखने के साथ साथ ही हमें मालूम पड़ गया कि जो पी स्क्वायर है वो एक इवन नंबर है क्योंकि उसके साथ में टू मल्टीप्लाइड बाई सम अदर नंबर। तो ऐसा यदि होगा तो पी जो है इवन होगा, यानी कि इवन की डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, इस वाली डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है एंड दैट्स व्हाई पी इज इवन। अब पी इवन है तो हमने कहा कि यदि पी इवन है तो पी को 2l के बराबर रख सकते हैं। अब 2l के बराबर रख सकते हैं तो हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पी की जगह 2l रख दिया, तो हमारे पास आया 4l स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। यहां पर कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करने के बाद में हमें मालूम पड़ा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, राइट। अब इसकी वजह से हमें मालूम पड़ता है कि q में q स्क्वायर को भी हम इवन कह सकते हैं क्योंकि उसमें भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, तो यहां पर q स्क्वायर भी इवन हो गया, राइट। अब q स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब जो हमने पिछली वो थ्योरम पढ़ी है, तो q स्क्वायर इज इवन मींस q इज आल्सो इवन। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि p भी इवन आया और q भी इवन आ गया। लेकिन यदि आप यहाँ पर हमने रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन देखी थी उसके हिसाब से पी और क्यू तो हमने को प्राइम लिए थे, तो इसका मतलब उनमें जो को फैक्टर है या कॉमन फैक्टर है वो कुछ हो ही नहीं सकता, उसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर वन ही हो सकता है। पर यहाँ पर तो दोनों चूंकि इवन हो गए हैं तो इसका मतलब उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, कम से कम 2 होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 2 जरूर होगा। इन दैट केस हमारी अजम्पशन क्या हुई, जो हमने Q इस Q में माना था वो फॉल्स हो गई। इस रैशनल नंबर्स के सेट में उसको हम नहीं ले पा रहे हैं, यानी कि यही एकमात्र, चूंकि बाकी सारा तो हमने लॉजिकली डिड्यूस किया तो बाकी सारा तो ठीक है, लेकिन एकमात्र जो अजम्पशन थी वो ये थी कि रूट टू इज रैशनल, वो हमारी फेल हो गई एंड उसी के कारण से हम कह सकते हैं कि रूट टू जो है इरेशनल नंबर है। और इस पूरे मेथड को हम कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हम एक ऐसे जगह पे पहुंच गए कि इनिशियली जो हमने माना था कि p और q को प्राइम होंगे, रूट टू इज रैशनल और q की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने माना था p और q जो है वो को प्राइम होने चाहिए, सो दैट हम एक रैशनल नंबर को एक ही p बाई q की फॉर्म से डिनोट करें, बहुत सारी p बाई q की फॉर्म से डिनोट ना कर सकें, इसलिए हमने इसको को प्राइम माना था। और उस केस में हमने पाया कि ये को प्राइम नहीं निकल रहे। अब यदि को प्राइम नहीं निकल रहे तो ये दिक्कत है, इसका मतलब ये एकमात्र अजम्पशन, ये वाली जो अजम्पशन है ये फॉल्स है, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन को करते हैं। एक और एक मेथड होता है जिसको कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन में हमारे पास में एक स्टेटमेंट होता है जो कि जिसका कि हम पहले बेस कंडीशन को प्रूव करते हैं, बेसिस, और फिर एक इंडक्टिव स्टेप रखते हैं। ये उन ज्यादातर उन चीजों में काम करता है जहां पर हम रिकर्सिवली कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि रिकर्सिव का क्या मतलब है। बेसिस जो होता है, आपके पास कुछ बेसिस होना चाहिए। जैसे हम इसको एक डोमिनोज जो उस तरीके के होते हैं ना, जिनको आप खड़ा कर देते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और हम कहते हैं कि एक को गिराएंगे तो दूसरा गिरेगा, दूसरे को गिराएंगे तो तीसरा गिर जाएगा, इस तरीके की सिचुएशन को आप देखिए ध्यान से, ठीक है। ये आपके डोमिनोज लगे हुए हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो इसमें बेसिस कंडीशन क्या है, बेसिस कंडीशन है कि पहला गिरेगा, ये हम दे रहे हैं कि पहला गिरेगा। इंडक्टिव हाइपोथेसिस, इंडक्टिव स्टेप क्या है, इंडक्टिव स्टेप ये है कि पिछले वाला गिरेगा
कोई भी यदि पिछले वाला गिरेगा तो आगे वाला गिरेगा। यदि हम इंडक्टिव बेसिस स्टेप भी प्रूव कर देते हैं और इंडक्टिव स्टेप यानी कि हम ये कह देते हैं कि पहला गिरेगा तो फर्स्ट विल फॉल, फर्स्ट डोमिनो विल फॉल, और इंडक्टिव जो है वो कहता है, स्टेप कहता है इफ एलथ डोमिनो फॉल देन एल प्लस वनथ डोमिनो विल ऑल्सो फॉल। आप देख सकते हैं कि यदि मैंने इसको प्रूव कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, पहला डोमिनो फॉल हुआ। अब इफ फर्स्ट डोमिनो फॉल देन वन प्लस वन अथ यानी कि सेकंड डोमिनो विल आल्सो फॉल, सेकंड विल फॉल, इफ सेकंड विल फॉल देन थर्ड विल फॉल, इफ थर्ड विल फॉल देन फोर्थ विल फॉल। इस तरीके से आप पूरे जो डोमिनोज की जो सीरीज है वो पूरी की पूरी जो है वो फॉल कर जाएगी। इस चीज को आप प्रूव कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप कह रहे हो कि बेसिस स्टेप आपने चेक कर लिया, दैट इज पहला डोमिनो फॉल करेगा ही करेगा। फिर आपने कहा कि यदि एलथ डोमिनो फॉल कर रहा है तो आपका एल प्लस वनथ डोमिनो भी फॉल करेगा। ये दोनों चीजें कहते ही आपने पूरी सीरीज के लिए इस बात को प्रूव कर दिया। बेसिक आइडिया जो मैथमेटिकल इंडक्शन का है वो यही बेसिक आइडिया है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। हम इसको यूज करने जा रहे हैं ये है प्रूव करने के लिए सम ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स और एन नेचुरल नंबर्स, वी शुड से यू कैन टेक नेचुरल नंबर्स एन नेचुरल नंबर्स is n into n plus 1 by 2। ये हमें मान लीजिए ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम कहते हैं कि एक हमने एक सेंटेंस ले लिया जहां पे p जो है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो हमें प्रूव क्या करना है, पी एन इजिकल्स टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करने जा रहे हैं बेसिस स्टेप को, और बेसिस स्टेप क्या है, बेसिस स्टेप है पी। आप चूंकि नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर वन से शुरू होते हैं, तो पहला नंबर पी वन। मान लीजिए आपके पास में पहला नंबर एकमात्र एक ही नंबर है तो उसका सम क्या है, वन है। तो आप यहां पर देखिए 1 into 1 into 1 plus 1 by 2, क्या ये ट्रू है। सो पी वन यानी कि पहले एक नेचुरल नंबर का सम क्या आएगा, 1 आएगा। क्या इस फॉर्मूले से भी वैल्यू 1 ही आ रही है, तो 1 into 2 by 2 इज अगेन 1। तो हमने देखा ये बेसिस वैल्यू जो है हमारी ट्रू आ रही है। अब हम कहते हैं कि हमने एक इंडक्टिव स्टेप ले लिया, इंडक्टिव हाइपोथेसिस ले लिया, इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी। इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है, इंडक्टिव हाइपोथेसिस ये है कि अप टू के पी के इज ट्रू, दैट इज k into k plus 1 by 2, okay, so k plus 1 by 2 up to k pk is equal to k into k plus 1 by 2, so that is true, is true for all k or for all, let's say for all n up to k,
फॉर ऑल एन मैक्सिमम वैल्यू अप टू के, और मिनिमम वैल्यू तो हमने 1 से शुरू करके देख ही लिए। सो एन से के तक ये चीज सच है, ये ट्रू है। अब हमें के प्लस 1 के लिए इसे प्रूव करना है, सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। ओके, सो हम प्रूव क्या करने जा रहे हैं, हम पी के प्लस 1 प्रूव करने जा रहे हैं। सो टू प्रूव दैट पी के, इफ पी के इज ट्रू देन पी के प्लस 1, सो व्हाट वी वांट टू प्रूव इज दैट पी के, इफ पी के इज ट्रू दैट इज के, पी के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 बाई 2 इंप्लाइज पी के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। सो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहां तक ये ट्रू है, ये पार्ट ट्रू है। अब हमें प्रूव करना है कि ये पार्ट भी ट्रू होगा। तो जब हमने देखा कि ये पार्ट ट्रू है, तो ये पार्ट ट्रू मतलब फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट के नंबर्स, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट के नंबर्स एंड दिस इज सम फार्मूला। सो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट के नंबर्स इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 1 बाई 2। नाउ वी हैव टू प्रूव दिस, सो वी अज्यूम दैट दिस इज ट्रू एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दिस। नाउ व्हाट इज पी के प्लस 1? PK plus 1 is nothing but sum of first K plus 1 natural numbers. Sum of first K plus 1 natural numbers. So which I can write like PK plus K plus 1. But I know that PK is, this part is true, right? I know that. Since this part is true, I can replace the value of PK. So which is equals to k into k plus 1 by 2 plus k plus 1। अब यदि हम इसको फॉर्मूला को यूज करते रहे, मतलब कॉमन ले लेते हैं k plus 1 को, k plus 1 इज कॉमन, अब आया k by 2 plus 1, राइट, विच इज k plus 1। अब ये k प्लस 2 को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, by 2। Now आप देख सकते हैं कि हमने पी के प्लस 1 से शुरू किया था एंड नाउ वी हैव रीच टू दिस फॉर्मूला k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 बाई 2, राइट। इट मीन्स यदि हमने इसको ट्रू माना तो यह भी ट्रू निकल के आएगा। सो हम कहते हैं कि हेंस Pn is equals to n into n plus 1 by 2 is true for all natural numbers, is true for all natural numbers. Right? तो इस तरीके से मैथमेटिकल इंडक्शन को हम समझ सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, ऑटोमेटा थ्योरी को हम फॉर्मली डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।